आज मैं बिल्कुल सिंपल सलवार बनाऊंगी, यानी कि साधारण सलवार बनाऊंगी मैं। तो हमने यहाँ पर कपड़े को फोर फोल्ड में हमने से अच्छे से बैठा लिया है, अच्छे से हमने बिछा लिया है। सारे 42 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। ये फोर फोल्ड है हमारा कपड़ा, ओपन साइड हमारा सामने की तरफ है, बंद साइड अपनी तरफ हमने रखा है। ये 22 इंच हमारा ये घेर है कपड़े का, 2 इंच हम नारे के लिए लेंगे हम। अब इसे हम सीधी लाइन स्ट्रेट ले लेंगे। 17 इंच हम आसन के लिए लेंगे और यहाँ पर हम 7 इंच मोरी लेंगे और यहाँ पर 5.5 इंच हमने कली के निशान के लिए लिया है। इस तरफ भी 5.5 इंच लिया है हमने। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे इस तरफ। अब हम इसे स्केल की मदद से शेप बना लेंगे हम अच्छे से और कटिंग कर लेंगे हम इसकी। यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है अच्छे से। तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। बिल्कुल साधारण सलवार है ये हमारा, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसकी रुमाली कटिंग करेंगे हम। इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस रुमाली की लंबाई लेंगे हम 10 इंच। अब इसे हम दो भागों में कर लेंगे अलग अलग। अब हम मोरी के लिए पोंछे के लिए हम लेंगे कपड़े। 10 इंच हमने लिया है, इसे हम सीधी स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे अच्छे से। हमारी कटिंग तैयार है। तो ये हमारी पोंछा के लिए कपड़ा है और ये हमारी रुमाली है जो सलवार में अटैच करेंगे हम। और ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा रियोन फैब्रिक है हमारा। ये दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो निशान लगाया था ये 5.5 इंच पर, वो दोनों निशान को हम पकड़ के सीधा इस तरफ से ऐसे पकड़ के फिर हम यहाँ पर एक पैर के बराबर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है हमें। इसी तरह हम इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे अच्छे से हम। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चली है। अब हम इसमें आसन अटैच करेंगे, सॉरी रुमाली। तो यहाँ से हम इस तरफ से पकड़ लेंगे हम अच्छे से और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से कपड़े को बराबर रखते हुए। डबल सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, हमें नाखून से स्क्रेच मार देंगे यहाँ पर ताकि सिलाई हमारी अच्छे से बैठ जाएगी। और इसी पार्ट में हम दूसरी वाली भी हम रुमाली अटैच करेंगे। तो इसे हम इस तरफ से हमने पकड़ा है उल्टे की तरफ से, बिल्कुल हाथ को लूज रखते हुए हमने इसे अटैच करना है। तो ये भी हमारी अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं।
इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम ये इसे हम अच्छे से जोड़ लेंगे। हम ये हमारे नारे के लिए हम 1 इंच के करीब हम गैप छोड़ देंगे, वहाँ पर सिलाई नहीं लगाना है हमें। बाकी हमें यहाँ पर पूरे लाइन अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगा लेंगे हम अच्छे से। यहाँ पर हमने खुला नहीं रखा है, हमने एक तरफ ही नारे के लिए लिया है। इस तरफ से हम एक तरफ फोल्ड करके फिर यहाँ पर हम नारे के लिए हमने जो 1 इंच के करीब हमने छोड़ा है वहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल एक बराबर की सिलाई लगानी है हमें। तो ये हम यहाँ से नारा इंसर्ट करेंगे हम। ये हमारे पोंछे के लिए हमारा ये कपड़ा है और ये हमारा बुकरम है। इसी तरह हम 2 बुकरम के पीसेस लेंगे हम। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से हम कपड़े में अटैच कर लेंगे। ये हमारी 1.5 इंच की है हमारी चौड़ाई इसकी बुकरम की। ये हमारी दोनों पोंछे में सिलाई लग चुकी है अच्छे से। हमारी ये पोंछा तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगाना है, नहीं तो फिर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी हमारी पोंछे में। अब हम इसे इस तरह पकड़ के किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे उल्टा करके फिर सिलाई लगाएंगे एक अच्छे से। बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना है हमें। बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगाएंगे फिर से, देख इस तरफ भी लगाएंगे। ज़्यादा हैवी हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाना है। इस तरफ से घुमा घुमा कर हमने सिलाई लगाना है। इस तरह से इसे जिगजग जिगजग इस तरह से इसे सिलाई लगाना है हमें यहाँ पर। इस तरफ से भी इसी तरह लेंगे हम। तो ये हमारी पोंछा तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लग रही है ना। इसी तरह हमने दूसरा पोंछा भी हमने तैयार कर लिया है, देख सकते हैं अब कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इसे साइड की सिलाई लगा लेंगे हम। 7 इंच हमारी ये मोरी है, 7 इंच मोरी रखते हुए हम अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। अच्छे से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी ये आसन है। हम इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे।
तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप अच्छे से। हम इसे सीधी कर लेंगे। तो ये हमारी सलवार बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आपको ज़रूर पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।